हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों को एसी स्टेबलाइजर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उनका थ्री वायर जो कनेक्शन है एसी और स्टेबलाइजर के बीच वो बताने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीएन आजाद और आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारा एसी स्टेबलाइजर, इसी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और आपको इंस्टॉल करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस स्टेबलाइजर के साथ या कोई भी स्टेबलाइजर अगर परचेज करते हैं, ये दो स्क्रू और इसके साथ बिट मिलेगा, ये मिलेगा आपको। फिर ज़रूरत क्या पड़ेगी, ये आपको ड्रिल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप ड्रिल कीजिएगा तो फिर इसी स्क्रू को फिट करने के लिए ड्रिलिंग करना पड़ेगा। और एक स्क्रू ड्राइवर सेट आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये जो स्क्रू देख रहे हैं इसको लगाना है उस होल में। सबसे पहले इसको लगाना है पुर्जा को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को थ्री वायर कनेक्शन बताता हूँ स्टेबलाइजर और एसी के बीच। ये जो थ्री वायर आप देख रहे हैं ये एसी का सप्लाई वायर है, इसी को स्टेबलाइजर में कैसे कनेक्शन करना है ये मैं बताऊंगा। ये देखिए, थ्री वायर है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। रेड के बारे में तो सभी को पता है, ब्लैक और ग्रीन में लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसी को मैं बताऊंगा। क्योंकि ये अगर प्रॉपर नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक का काम में कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कॉन्फिडेंस और जो रियल है उसी को करना है। ये देख रहे हैं स्टेबलाइजर का ये जंक्शन है, वायर जो कनेक्शन होगा उसी का ये जंक्शन है। ऊपर जो देख रहे हैं राइट में वो रेड है, रेड के सामने में रेड जाएगा। और एल भी मेंशन किया हुआ है, एल मीन्स लाइट होती है। तो देखिए, ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ये ब्लैक देख रहे हैं, एंड न्यूट्रल लिखा हुआ है, सारा चीज़ मेंशन है, आपको कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जो एल लिखा हुआ है रेड वाले में उसको एल में सप्लाई देना है। इसको टाइट कीजिए अच्छे से, लूज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लूज होने के बाद स्पार्क करता है, धीरे धीरे हीट होने के बाद मेल्ट होने का चांस हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होगा फिर। ये देखिए, ब्लैक वाली जो है न्यूट्रल है, एंड मेंशन है, वायर में भी मेंशन है और स्टेबलाइजर में भी मेंशन है। तो इसको भी टाइट करना है अच्छे से। जो पेंडिंग वायर बचा ये हमारा अर्थ है, बॉडी अर्थ, ये हमेशा ग्रीन कलर या येलो ग्रीन में आता है, इसको भी टाइट कर देना है अच्छे से। ऊपर भी देखिए, ऊपर
एकदम सीधे में मतलब ज्वाइंट करना है, सीधे सीधे में रेड, ग्रीन में ग्रीन, ब्लैक में ब्लैक, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। सिर्फ यही कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत जगह है जहाँ पे ग्रीन यूज हुआ है वहाँ येलो भी यूज करते हैं। तो चलिए फिर इसको ऑन करके भी देखते हैं। ये जो वायर देख रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप बैंड कर दीजिए या कहीं पे अच्छे से टेप मार के या क्लिप मार के इसको छोटा करना है, मतलब एक जगह जमा करना है। ये देखिए किस तरह ऐसे ही लपेट लेना, आप लोगों को देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप अपने हिसाब से मतलब ऐसे बांधना है जैसी सुविधा हो आपको, टेप हो तो टेप भी मार सकते हैं। अब सॉकेट को, इस प्लग को सॉकेट में लगाइए, इसको भी टाइट कर लेना है क्योंकि ये जो स्टेबलाइजर के ऊपर अगर रखते हैं तो स्टेबलाइजर हीट होता है ना, फिर दिक्कत आएगी वायर में, मैम होता हूँ, एक तो देखा तो था इसको ऊपर उसके लिए रखना वो है, मैं कांटेक्ट में पीछे नहीं ही निकल रखना दूंगी है, इस अभी। वायर को स्टेबलाइजर के कांटेक्ट में फाइनली नहीं रखना स्टेबलाइजर है, इंस्टॉलेशन भी हो गया और वायर इसको ध्यान में कनेक्शन भी रखिए हो आप गया लोग। है, ये देखो देख कैसे सकते हैं, देख सकते हैं रखा है कैसे मैंने, इंस्टॉलेशन हुआ और वायर ऊपर यहाँ भी पे रखा इसको है लटका के मैंने। रखा है, अब बांध इसको दिया स्विच ऑन ऊपर। करके देखता हूँ चलिए फिर वर्क ऑन करता करते है या हैं, नहीं। नीचे स्विच डाल के रखा है, देखने में भी खूबसूरत लगने लगा। ये ऑन तो कर लिया मैंने, अब देखिए ये देखिए ऑन भी प्रॉपर हो वर्क गया कर रहा और है। इसमें डिस्प्ले में शो भी हो हमारे रहा घर है में हमारा जो इनपुट वोल्टेज इनपुट जो कितना वोल्टेज है है, घर और का जो वोल्टेज आउटपुट है वोल्टेज वो कितना मिल आईपी रहा है, है। वो टू हमारे घर सेवेंटी का फाइव है, इनपुट वोल्टेज अभी क्योंकि टू कोई भी सेवेंटी के इलेक्ट्रिकल सामान के आसपास, लिए जो कि नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा तो है, ये आउटपुट इसमें हमारा चांस अभी रहता है कि टू आपका थर्टी सिक्स इलेक्ट्रिकल ये डिवाइस जो ख़राब हो सकता स्टेबलाइजर है। तो ये कन्वर्ट कर रहा हमारा है वो स्टेबलाइजर एग्जैक्ट है वोल्टेज जो कि कन्वर्ट कर मतलब रहा है, कन्वर्ट करके वो टू टू थर्टी थर्टी के ट्वेंटी के आसपास बीच कर रहा है, आउटपुट जो दे रहा कि है, जो कि सपोर्ट कोई करता है भी कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ इलेक्ट्रिक के लिए चीज और ये इलेक्ट्रिकल चीज कोई भी। ओरिजिनल वैल्यू तो है। देखा आप लोगों को कैसा दोस्तों ये लगा ये वीडियो आपको कैसा इंस्टॉलेशन आज लगा? का, अगर अच्छा अगर लगा तो अच्छा लगा लाइक तो और लाइक शेयर कीजिए और कीजिए। शेयर कीजिए। थैंक यू।